नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, 864 डिवाइड बाय 2. सो हम लोग क्या करेंगे, 864 को 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 जा. ओके, 2 4 जा 8, 4 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिख दिया, एंड देन माइनस 8 माइनस 8 इज 0, तो हम क्रॉस लिख देंगे. एंड देन सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट नंबर को नीचे लाते हैं, तो 6 नीचे लिखेंगे, 2 3 जा 6, माइनस क्या, 6 माइनस 6 इज 0, देन क्रॉस. एंड देन हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे, 4, नाउ 2 2 जा 4. ओके, 4 माइनस 4 इज 0, तो हम यहाँ पर क्रॉस लिखेंगे. एंड नाउ देर आर नो मोर नंबर्स, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आपका डिवीजन कंप्लीट होता है. एंड योर आंसर इज 864 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 432. नाउ वी हैव टू वेरीफाई द आंसर. तो ये फॉर्मूला है, डिवीजन टू क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंट, डिविजन इज 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 432. ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 432 में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 864. एंड योर डिविडेंड शुड बी 864. एंड ये दोनों सेम है, इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट, हैंस वेरीफाइड. ओके, यू कैन राइट हैंस आंसर इज द करेक्ट और यू कैन राइट हैंस वेरीफाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 999 डिवाइड बाय 9. सो विल डिवाइड 999 बाय 9. ओके, नाउ 9 1 जा 9. ओके, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 1 9 इज 0, तो हम यहाँ पर क्रॉस लिखेंगे. एंड देन वी विल ब्रिंग 9 ओवर हियर, सब्ट्रैक्शन के जस्ट बाद ही आपको लिखना है. ओके, नाउ 9 1 जा 9, 9 माइनस 9 इज 0, तो फिर से हम क्रॉस लिखेंगे. एंड देन वी विल ब्रिंग दिस वन 9, इसको नीचे लेके आएंगे और यहां पर लिखेंगे 9 1 जा 9, एंड 9 माइनस 9 इज 0, सो यहां पर हम क्रॉस लिखेंगे. ओके, सो योर आंसर विल बी 999 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 111. ओके, नाउ वी हैव टू वेरीफाई इट. सो डिविजन इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंट. ओके, सो डिविजन इज 9 मल्टीप्लाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है 111, एंड आपका आंसर होना चाहिए हाउ मच, 999. सो वी विल मल्टीप्लाई 111 में हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, एंड योर आंसर इज 999. ओके, सो इट इज वेरीफाइड, सो यू विल राइट हैंस वेरीफाइड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज 819 डिवाइड बाय 9. सो 819 को आपको 9 से डिवाइड करना है. ओके, नाउ सी फर्स्ट यहां पर देखिए, अगर आप 9 से फर्स्ट नंबर कंपेयर करोगे तो 9 से 8 छोटा है. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट्स ले लेते हैं. ओके, 1 डिजिट नंबर अगर डिवाइड कर रहा है तो आपको 1 डिजिट ही चेक करना है. जब 1 डिजिट नंबर डिविजन से छोटा होता है तो फिर हम 2 डिजिट्स ले लेते हैं. तो अब हम 81 ले लेंगे. ओके, 8 इज स्मॉलर देन 9, सो विल टेक 2 डिजिट्स ऑफ डिविडेंड. ओके, नाउ यू विल सी इन द टेबल ऑफ 9, इट इज 9 9 जा 81. ओके, 9 9 जा 81, एंड 81 माइनस 81 इज 0, तो फिर हम यहां पर क्रॉस लिख देंगे. एंड देन वी विल टेक 9, नाउ 9 1 जा 9. ओके, आपको सिंपल क्या करना है, उसके टेबल में ही चेक करना है. 81 आ रहा था डायरेक्टली, 9 9 जा 81, हमने 81 लिख दिया. नाउ वी हैव 9 9, को हम नीचे लेके आए, 9 1 जा 9, 9 माइनस 9 इज 0, तो हम यहाँ पर क्रॉस लिख देंगे. एंड आपका डिविजन यहाँ पर स्टॉप होता है, क्योंकि आगे और नंबर्स नहीं है. सो योर आंसर इज 819 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 91. नाउ वी विल वेरीफाई, तो डिविजन है 9 और क्वेश्चन है 91. ओके, 9 into 91 डिविडेंड आना चाहिए, तो हम पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं. 91 में जब आप 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81. ओके, आपको टेबल्स बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए, जिससे कि आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन दोनों करना है. जब आप डिवाइड कर रहे हो तब तो डिवाइड कर रहे हो, बट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल्सो. ओके, नाउ योर आंसर इज
819 और ये डिविडेंड आना चाहिए एंड डिविडेंड इज 819, दोनों सेम है. इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, हेंस वेरीफाइड दैट द आंसर इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज 497 डिवाइड बाय 7. ओके, सी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो अगर आप वन डिजिट नंबर है एंड आप वन डिजिट नंबर देखो सो इट इज स्मॉलर देन 7, 7 से ये छोटा है. अगर आप 7 का टेबल देखो सो इट इज 7 वन जा 7, 7 टू जा 14. ओके, तो 4 बहुत छोटा है तो विल टेक टू डिजिट्स. हम लोग क्या करेंगे, टू डिजिट्स लेंगे, दैट इज 49. ओके, सो इट इज 7 7 जा 49. 7 के टेबल में 7 टाइम्स 49 आता है, 7 7 जा 49, तो 7 यहां लिखा, 49 यहां लिखा, माइनस किया, 49 माइनस 49 इज 0, तो विल पुट क्रॉस एंड देन हम लोग 7 को नीचे लेके आएंगे. ओके, सब्ट्रैक्शन के जस्ट नेक्स्ट लिखते हैं. ओके, नाउ 7 वन जा 7, 7 माइनस 7 इज 0, तो फिर हम यहां पर क्रॉस लिख देंगे एंड फर्दर नंबर्स कुछ भी नहीं है तो यहां पर आपका डिविजन स्टॉप होता है एंड योर आंसर इज 497 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 71. नाउ विल वेरीफाई एंड फॉर द वेरिफिकेशन वी यूज दिस फॉर्मूला, डिविजन इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंड. सो डिविजन इज 7, 7 मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मतलब आंसर आया 71 और आपका डिविडेंड आना चाहिए 497. तो हम चेक कर लेते हैं 71 में 7 मल्टीप्लाई करके, 7 वन जा 7, 7 7 जा 49, सो हम लोग का आंसर आ रहा है 497 को मल्टीप्लाई करने पर डिविडेंड. ओके, और यहां पर डिविडेंड भी 497 ही है, सो योर आंसर इज करेक्ट, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट द आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 इज 105 डिवाइड बाय 5, तो हमें 105 को 5 से डिवाइड करना है. ओके, नाउ सी अगर आप वन डिजिट है तो आप वन डिजिट लोगे तो 1 इज लेस देन 5, 5 से छोटा है. 5 के टेबल में 5 वन जा ही 5 आता है और वो 1 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टू डिजिट लेंगे, दिस इज 10. ओके, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 5, अब ये 5 से बड़ा हो गया. ओके, 5 टू जा 10, जब आप 5 के टेबल में देखोगे तो 5 टू जा 10 आता है, 10 माइनस 10 इज 0, तो उसको हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको नीचे लेके आएंगे, दैट इज 5. नाउ 5 वन जा 5 एंड 5 माइनस 5 इज 0, तो हम यहां पर क्रॉस लिख देंगे. ओके, सो यू विल राइट द आंसर. सो आंसर कितना आया है, 105 डिवाइड बाय 5 एंड योर आंसर इज 21. ओके, तो आपका आंसर आया है 21. नाउ विल वेरीफाइड कि हम लोग ने जो आंसर निकाला है इज इट करेक्ट और रॉन्ग. तो पहले डिविजन लिखते हैं, डिविजन इज 5 मल्टीप्लाई क्वोशेंट इज 21 इज इक्वल टू. ओके, हमने सारी वैल्यूज यहां पर लिख दी. नाउ वी नीड डिविडेंड एंड डिविडेंड मस्ट बी 105. अगर 105 आया मल्टीप्लाई करने पर तो हम लोग का आंसर करेक्ट होगा. सो 21 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 एंड द आंसर इज 105 एंड डिविडेंड इज 105. इट मीन्स द आंसर इज करेक्ट, हेंस वेरीफाइड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज 936 डिवाइड बाय 3. सो 936 को डिवाइड करना है 3 से. ओके, 936 डिवाइड बाय 3. नाउ 3 के टेबल में हम देखेंगे, सी वन डिजिट है तो हमने वन डिजिट नंबर देखा एंड दिस इज 9 और ये 3 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 3, तो फिर हम यही सिंपल वन डिजिट नंबर ही लेंगे. ओके, नाउ विल सी इन द टेबल ऑफ 3, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, यस 3 3 इज 9. नाउ 9 माइनस 9 इज 0, तो हम यहां पर क्रॉस लिख देंगे और उसके नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे एंड दैट इज 3. ओके, नाउ 3 वन इज 3, अगेन माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 इज 0, तो हम यहां पर क्रॉस लिखेंगे एंड नेक्स्ट नंबर इज 6, उसको हम यहां पर नीचे लिखेंगे. ओके, नाउ 3 टू इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो हम यहां पर क्रॉस लिख देंगे. सो द आंसर इज 936 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 312. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, डिविजन इनटू क्वोशेंट, डिविजन इज 3, 3 मल्टीप्लाई एंड क्वोशेंट इज 312, सो हम लोग का आंसर आना चाहिए 936. सो विल मल्टीप्लाई 312 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3 एंड 3 3 जा 9, सो आंसर इज 936. ओके, एंड डिविडेंड सेम है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है इट इज करेक्ट, सो इट इज वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 15 इज 366 डिवाइड बाय 6.
सो आपको 366 को डिवाइड करना है 6 से. ओके, नाउ सी, अगर हम कंपेयर करें, वन डिजिट है, यहां पर कंपेयर करें वन डिजिट, तो ये छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 6, तो हमें टू डिजिट्स लेना होगा और ये 36 हो जाएगा. अब ये 6 से बड़ा हो गया, सो विल टेक 36. ओके, नाउ 6 के टेबल में आप 36 देखोगे, इट कम्स 6 6 36. ओके, इसको माइनस करिए, 36 माइनस 36 इज 0, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे एंड देन हम 6 को नीचे यहाँ पर लेके आएंगे. ओके, नाउ 6 1 6. ओके, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 6 इज 0, तो इसमें हम क्रॉस लिख देंगे एंड योर आंसर इज 366 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 61. नाउ वी विल प्रूव इट कि हमने करेक्ट डिविजन किया है एंड आर आंसर इज करेक्ट. सो विल मल्टीप्लाई 6 इंटू क्वेश्चन इज 61 एंड डिविडेंड विल बी, सो विल मल्टीप्लाई इट 6 इंटू 61, तो हम 61 में क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 6 6 36 एंड योर आंसर इज 366. ओके, आपका आंसर है 366 और यहाँ पर डिविडेंड 366 है, जो आपने डिविडेंड निकाला वो भी 366 है. इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट एंड इट इज वेरीफाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज 459 डिवाइड बाय 9. सो 459 को डिवाइड करना है 9 से. ओके, नाउ सी, फर्स्ट डिजिट ये छोटा है 9 से ना, इट इज स्मॉलर देन, तो हम टू डिजिट्स ले लेंगे, दैट इज 45. नाउ 9 के टेबल में 45 कितने टाइम्स आता है, 9 5 45. ओके, माइनस करेंगे, 45 माइनस 45 इज 0, सो हम क्रॉस लिखेंगे एंड देन 9 को नीचे लेके आएंगे और यहाँ लिखेंगे नाउ 9 1 9. ओके, यहाँ पर नाउ योर आंसर इज 459 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 51. ओके, सो विल प्रूव इट, डिवीजन इनटू क्वोशेंट, डिवीजन है 9 एंड क्वोशेंट इज 51. सो मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 51, मतलब 51 में जब आप 9 मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 9 9 5 45, सो आपका आंसर आया है 459 डिविडेंड, और यहां भी 459 है, डिविडेंड दोनों जगह सेम है, सो योर आंसर इज करेक्ट एंड इट इज हेंस इट इज वेरीफाइड दैट द आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 इज 2826 इज डिवाइडेड बाय 2. ओके, नाउ विल डिवाइडेड बाय 2, सो 2 के टेबल में 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 1 2. नाउ 2 माइनस 2 इज 0, तो हम यहाँ क्रॉस लिखेंगे एंड देन वी विल ब्रिंग 8, हम 8 को नीचे लेके आएंगे, 2 4 8. ओके, एंड 8 माइनस 8 इज 0, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद में हम ये 2 को जैसे सब्ट्रैक्शन हो जाता है उसके नेक्स्ट नंबर को हम नीचे लेके आते हैं. नाउ 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 1 2. ओके, 2 माइनस 2 इज 0, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे एंड देन वी विल ब्रिंग 6. 6 को हम नीचे लेके आएंगे एंड 2 के टेबल में 6 हाउ मेनी टाइम्स, 2 3 6 एंड 6 माइनस 6 इज 0, तो फिर हम यहाँ पर क्रॉस लिख देंगे. ओके, सो योर आंसर इज 2826 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1413. सो विल वेरीफाई इट. ओके, डिविजन इज 2 मल्टीप्लाई 1413, क्योंकि क्वेश्चेंट 1413 है, अब हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है, सो विल चेक इट, 1413 मल्टीप्लाई बाय 2 2 3 6 2 1 2 2 4 8 एंड 2 1 2. सो मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आया ना, एंड इट इज डिविडेंड, और हम लोग ने भी जो डिविडेंड निकाला है वो भी 2826 ही है. ओके, सो योर आंसर इज करेक्ट एंड इट इज वेरीफाइड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज 3639 डिवाइड बाय 3. ओके, तो अब हम 3 के टेबल में इन नंबर्स को चेक करेंगे. ओके, इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे एंड विल चेक, देखिए 3 से 3 जो है वो इक्वल है, तो फिर हम वन डिजिट ले सकते हैं. ओके, नाउ 3 1 3, -3 -3 0, तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे देन नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे एंड दैट इज 6. 3 के टेबल में 2 टाइम्स 6 आता है, 3 2 6
6 माइनस 6 इज 0, तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे एंड देन नेक्स्ट नंबर को हम नीचे लेके आएंगे एंड दैट इज 3. 3 वन जो 3. 3 माइनस 3 इज 0, तो फिर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा, तो हम यहाँ पर क्रॉस लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे एंड दिस इज 9. 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9 आता है, सो 3 3 जो 9. ओके, सो ये आपका डिविजन कम्प्लीट होता है क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं है एंड योर आंसर इज 1213. सो 3639 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1213. ओके, नाउ डिविजन इनटू क्वोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड. ओके, सो डिविजन है कितना 3. 3 मल्टीप्लाई क्वोशेंट है 1213 एंड डिविजन डिविडेंड आना चाहिए 3639. तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं दैट के डिविडेंड क्या आएगा. सो 1213 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3. सो द आंसर इज 3639 एंड सेम डिविडेंड आया है. इट मींस आपने करेक्ट डिविजन किया है एंड द आंसर इज करेक्ट, हेंस इट इज वेरीफाइड. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज 8168 डिवाइड बाय 8. ओके, तो फर्स्ट थिंग कंपेयर करिए वन डिजिट है, तो वन डिजिट या इससे छोटा है या बड़ा है, सो इट इज इक्वल. जब इक्वल होता है तो भी हम उसको लेते हैं, तो हम 8 को ही रखेंगे एंड 8 वन जा 8. 8 माइनस 8 इज 0, तो हम यहाँ पर क्रॉस लिख देंगे एंड सब्ट्रैक्शन के जस्ट बाद वन डिजिट नीचे अपने आप आ जाता है. बट देखिए नाउ 1 नीचे आया एंड 1 इज स्मॉलर देन 8, तो 8 के टेबल में 8 वन जा ही 8 होता है, तो फिर ये बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमें 6 चाहिए. तो 6 लेने के लिए हमें पहले आंसर में 0 देना होगा. जब हमें 0 लिख देंगे तो फिर हमें ये 6 नीचे ला सकते हैं एंड दिस इज 16. नाउ इट इज ग्रेटर देन 8. 8 से ये बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 8 टू ज 16. ओके, एंड 16 माइनस 16 इज 0, तो हम यहाँ क्रॉस लिख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे एंड दैट इज 8. नाउ 8 वन ज 8 एंड योर आंसर इज 1021. So the answer is 8168 divided by 8 is equal to 1020. Now division. Division क्या है, 8 multiply quotient. Quotient is 1021. Okay, तो हम check करेंगे कि हम लोग का जो answer आएगा that is dividend. Okay, so now we'll multiply 1021 multiply by 8. 8 ones are 8. 8 टू 16, 16 का 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी. ओके, 8 जीरो 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1. 8 वन जा 8, सो द आंसर इज 8168 एंड सेम नंबर. ओके, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट एंड इट इज वेरीफाइड.